ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने यूपी फतह करने के लिए कमर कस ली है। अब विधानसभा चुनाव में महज 6 महीनों का समय बचा है। ऐसे में सभी सियासी दलों की ओर से जुबानी जंग शुरू हो चुका है। हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर साइकिल यात्रा निकाल चुनावी संखनाद किया और 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया, तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश के इन दावों को खोखला बताया। अब इसी कड़ी में यूपी चुनाव में हुंकार भर रही सुभाषपा के अध्यक्ष सुहेल देव सिंह ने एक नया राग अलाप लिया है। वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान सुहेल देव ने कहा कि योगी साधु हैं तो उन्हें मठ में और अखिलेश नेता हैं तो उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए। वाराणसी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुँचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक अलग राग अलापते हुए कहा कि योगी साधु बाबा हैं, उन्हें तो मठ मंदिर में रहना चाहिए। वो कोई नेता थोड़े हैं, नेता तो अखिलेश यादव हैं और मुख्यमंत्री भी उन्हें ही बनना चाहिए। राजभर ने आगे कहा कि यूपी में अगर बीजेपी को कोई सत्ता से दूर रख सकती है तो वो है समाजवादी पार्टी। ओम प्रकाश राजभर ने इस दौरान सुभाषपा और सपा के एक साथ आने के संकेत भी दिए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर पूर्वांचल में सपा हमारे साथ आती है तो भाजपा का वहाँ खाता भी नहीं खुल पाएगा। साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य हिस्सों में भी इस गठबंधन से काफी लाभ होगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पिछले 2 साल से हमारा अखिलेश से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन 27 अक्टूबर को उनकी पार्टी की ओर से सपा को गठबंधन का प्रस्ताव भेजा जाएगा। अपने वाराणसी दौरे के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आज यूपी की जनता भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रही है और सपा में वह दमखम भी है। अखिलेश यादव सभी क्षेत्रीय दलों को अगर एक साथ मिला ले तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रशंसा करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राजा के लक्षण पहले ही दिखाई दे जाते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है। राजभर ने पूर्व में अखिलेश सरकार के दौरान हुए कामकाज के लिए तारीफों का पुल भी बांधा और यूपी में हुए विकास कार्यों का श्रेय अखिलेश यादव को दिया। राजभर ने कहा कि लखनऊ में 1090 पर खड़े हो जाइए, आपको रिवर फ्रंट भी दिखेगा तो लखनऊ से आगरा जाइए एक्सप्रेस वे भी दिखेगा। प्रदेश का कोई ऐसा शहर या गाँव का चट्टी चौराहा नहीं है जहाँ आपको 100 नंबर की गाड़ी न दिखाई दे। कहीं भी अत्याचार या गलत होता है तो 100 नंबर की गाड़ी तत्काल पहुँच जाती है। यह सब सपा सरकार की ही तो देन है। सपा के काल में जो काम हुए वैसा भाजपा के लोग एक काम भी नहीं कर सके। भाजपा पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि सुभाषपा ने तो संकल्प ले रखा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को गंगा में डुबो देंगे। भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय लूट पार्टी है। मोदी योजना बना बना कर लूटते हैं। अब देखिए 135 रुपए के झूले में योगी मोदी अपना फोटो लगवा कर 65 रुपए का राशन दे रहे हैं। जनता क्या हकीकत नहीं जान रही है? सरसों का तेल, अरहर की दाल, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सब्जियों से लेकर सभी चीजों के दामों में आग लगी हुई है। वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी के सभी नेता भगवान श्री राम के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा वोट के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे किसी की जान ही क्यों न चली जाए। बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि दुनिया में यदि झूठ बोलने वाली सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा को झूठ बोलने की ट्रेनिंग नागपुर में दी जाती है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि हमारे भैया केशव मौर्य भी वहीं से निकल कर आए हैं। वह सरकार में लोडर हैं, लीडर नहीं। वो तो बस वो करते हैं जो मालिक कहता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, उत्तर प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।